माई फेवरेट कंटेस्टेंट इज चाहत। कभी कभी करण को लेके ऐसे लगता है कि तो उसको थोड़ा सा जेलेसी है विपिन को लेके। उनकी जोड़ी तो दोस्ती भी बहुत अच्छी है और जोड़ी भी बहुत अच्छी है, तो उनकी वाइब्स भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। श्रुतिका को कभी करण के साथ रहना चाहिए, करण कभी धोखा नहीं देगा, वो अपने बहन जैसे मानता है श्रुतिका को। और श्रुतिका को शायद से विपिन के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे को इस टाइम रजत दलाल अच्छे लग रहे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये एक बिग बॉस रिव्यू है। सब पहले तो जानना चाहते हैं कि बिग बॉस सीजन आप देख रहे हो, कितना फॉलो कर पा रहे हो? रोज़ देखता हूँ मैं बिग बॉस। मेरे ट्यूशन क्लासेस होते हैं, उसमें से टाइम निकाल के मैं बिग बॉस देखता हूँ रोज़। ओके, ये बार की फेवरेट कंटेस्टेंट कौन आपको लग रहा है? मेरे को इस टाइम रजत दलाल अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो हर एक प्रॉब्लम्स में या फिर हर एक मुद्दों पे अपना मुद्दा डालते हैं, जो कि मुझे एक राइट भी लगता है, क्योंकि वो कुछ भी नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव सबको लग रहे हैं, इसलिए मेरे को वो पसंद है। इंस्टाग्राम पे ऐसे रजत और चाहत को एक दूसरे के साथ बहुत शिफ्ट कर रहे हैं, तो रजत और चाहत की जोड़ी कैसी लगती है? भाई बहन जैसी लगती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लगती है? नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी जोड़ी ज़रा कॉमेडी टाइप की है, क्योंकि जब चाहत कुछ भी बोलती रहती है तब रजत मतलब उनके साथ बहस नहीं करता है। हाँ। और वो उन्होंने भी बताया है कि मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता, वो ज़रा कॉमेडी ज़रा जोड़ी लगती है वो। आखिरी सवाल, इस घर में किसकी गेम आपको अच्छी नहीं लगती और क्यों? अच्छी नहीं लगती अविनाश, अविनाश क्योंकि वो बहुत नेगेटिव मेरे को लगता है। अभी रिसेंटली खाने के ऊपर से उसने ये किया कि खाना देने में बहुत उन लोग को प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रोल में भी वो प्ले कर रहा है। एज ही हैज सेड कि वो विलन बन के दिखाएगा, इसलिए वो नेगेटिव एक इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के मन पे। दैट्स इट मेरे को अविनाश का गेम प्ले। विपिन एक अच्छा प्लेयर है, बिकॉज वो एक लीडर जैसे सबको गाइड करता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, और वो अच्छा खेलता भी है, सबको एक आगे साथ लेके जाता है वो। आपको किसका गेम नहीं अच्छा लग रहा है? करण मेरा, बिकॉज वो सबका चुगली करता है, बैक बीचिंग करता है, और वो एक टीम में रहता नहीं है। So my favorite contestant is Chahat. I think she is like a very genuine person in the show, and even though she is like a little bit, she gets affected emotionally. मुझे ऐसा लगता है रजत के जो incident हुए हैं Big Boss House में उस वजह से, but I think she has a good strategy in mind and she is playing the game in a subtle way, or she can win it. So let's hope for the best. I am rooting for Chahat. So let's see, I am excited क्या होता है। जो भी अभी बिग बॉस हाउस में हुआ है चाहत और अविनाश के बीच में, I hope चाहत उसे मुँह तो जवाब दे जल्दी, जो भी उसने प्रवोक करने के लिए उसे किया था पानी फेंकने वाला इंसिडेंट। सो आई एम वेटिंग कि क्या उसका कम बैक आता है, भले ही वो थोड़ी मेल्ट डाउन इमोशनल हो गई थी वो टाइम पर जब वो हुआ था, बट देखते हैं आगे क्या होता है। विपिन को मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल्स में देख रही हूँ, मुझे वहाँ पे तो वो अच्छे लग ही रहे थे, लेकिन जब से मैंने बिग बॉस में उनको देखा है, उनका जेन्युइन एटीट्यूड और जो नॉनसेंस एटीट्यूड रखा है उन्होंने, मतलब और अच्छे से खेल रहे, तो मैं उनकी और अच्छे से फ़ैन बन चुकी हूँ। मतलब आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग हिम अ लॉट। कभी कभी विपिन सॉरी कभी कभी करण को लेके ऐसे लगता है कि तो उसको थोड़ा सा जेलेसी है विपिन को लेके, जब वो बाकी लोगों के सामने विपिन के बारे में बातें करते हैं वो टाइम पे ऐसा फील होता है कि ही इज लिटिल बिट जेलस मोर देन फ्रेंडशिप। यस, आप बिग बॉस देख रहे हैं? यस मैम, देखता हूँ। और जानना चाहते हैं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है अविनाश, मैं उन्हीं को देखता हूँ। ओके, लेकिन अविनाश अगर आप कह रहे हैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, काफी ड्रामा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको जो लग रहा है वो सही कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं? यस, बिग बॉस है तो ऑफ कोर्स झगड़ा होगा ही, और वो शो ही ऐसा है कि वहाँ पे झगड़ा होगा। सो जब तक आप झगड़ा नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे, सो दैट्स व्हाई। यस, वो सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। यस, अविनाश और ईशा के अभी तो दोस्त हैं, घर वाले कह रहे हैं कि इनकी आगे जाके प्यार भी हो सकता है, तो उनकी जोड़ी कैसी लगती है? उनकी जोड़ी तो दोस्ती भी बहुत अच्छी है और जोड़ी भी बहुत अच्छी है, तो उनकी वाइब्स भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो ऑफ कोर्स आगे जाके बहुत अच्छा भी हो सकता है उनका, और दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट है। ओके, अब मैं लास्ट पूछूंगी, एलिस भी उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त है,
बट अब क्योंकि एलिस बाकी लोग से भी और बात कर रही है, तो आपको लगता है कि आगे जाके एलिस धोखा दे सकती है? सो देखिए, मेरा कहना ये है कि जो एलिश है वो थोड़ी इमेच्योर है अभी, सो आगे जाके का पता नहीं, बट उन दोनों को उसके साथ नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। वो धोखा दे सकती है? यस, दे सकती है। श्रुतिका मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो अपना जो पॉइंट है वो सबके सामने इजीली रखती है और खेल भी अच्छी रही है और सबको एंटरटेनमेंट करती रहती है, हंसती रहती है, बी कॉन्फिडेंट रहती है वो। थैंक यू। श्रुतिका को कभी करण के साथ रहना चाहिए, करण कभी धोखा नहीं देगा, वो अपने बहन जैसे मानता है श्रुतिका को। और श्रुतिका को शायद से वियन के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वियन थोड़ा धोखा दे सकता है, कुछ गारंटी नहीं है उसका, करण का बेस्ट है वो।